नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। जामा मस्जिद प्रबंधन समिति ने मस्जिद परिसर में अकेली महिला या महिलाओं के समूह के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिल्ली की जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी की ओर से कहा गया कि जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं की पहुंच के लिए उनके साथ उनके परिवार के एक पुरुष सदस्य का होना अनिवार्य है। कुछ दिन पहले जामा मस्जिद के प्रवेश द्वार पर प्रतिबंध की घोषणा का नोटिस लगाया गया था। इस फैसले पर बवाल मच गया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने कहा कि वो इस मुद्दे पर जामा मस्जिद प्रशासन को नोटिस जारी कर रही है और प्रतिबंध को असंवैधानिक बताया। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने इस बैन पर कड़ी आपत्ति भी जताई। स्वाति मालीवाल ने कहा कि उन्हें क्या लगता है कि ये ईरान है कि वो महिलाओं के साथ खुलेआम भेदभाव करेंगे और कोई नहीं रोकेगा। इससे पहले उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि जामा मस्जिद में महिलाओं की एंट्री रोकने का फैसला बिल्कुल गलत है। जितना हक एक पुरुष को इबादत का है, उतना ही एक महिला को भी। इसी बीच जामा मस्जिद के जनसंपर्क अधिकारी सबीउल्लाह खान ने इस कदम का बचाव करते हुए कहा कि प्रतिबंध सोशल मीडिया के लिए वीडियो शूट करने वाली महिलाओं को रोकने के लिए है, क्योंकि नमाज अता करने की जगह है और लोगों को परेशानी होती है। उन्होंने कहा कि परिवारों या विवाहित जोड़ों पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दिल्ली की जामा मस्जिद में शाही इमाम ने एक बोर्ड लगा दिया है कि अब से महिलाओं की एंट्री जामा मस्जिद के अंदर पूरी तरीके से बैन है। ये शर्मनाक है और सीधे सीधे एक गैर संवैधानिक हरकत है। इन्हें क्या लगता है कि ये देश भारत नहीं है, ये देश ईरान है कि महिलाओं के खिलाफ खुले में भेदभाव करेंगे और कोई कुछ नहीं कहेगा। जितना हक एक पुरुष का इबादत करने का है, उतना ही हक एक महिला का भी इबादत करने का है। देखिए, ऐसा है कि जामा मस्जिद के शाही इमाम साहब ने जो ये फैसला किया है कि मस्जिद में लड़कियां बगैर गार्जियन के या शोहर के नहीं आएं, तो गलत नहीं है। चूँकि उन्होंने नमाज के लिए आने पर पाबंदी नहीं लगाई है, बल्कि सैर सपाटे के लिए जो आती हैं और मस्जिद के क्या जो तकद्दस है उससे पामाल होता है, उस पर पाबंदी लगाई गई है। और इमाम साहब ने जब वजाहत कर दी खुद ही कि नमाज पर कोई पाबंदी नहीं है आने के लिए, तो फिर इस मसले को इशू नहीं बनाना चाहिए। पर प्रतिबंध के बाद लगातार स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि हम इस पूरे मामले की, इस पूरे पहलू की कड़ी निंदा करते हैं और इस मुद्दे पर जामा मस्जिद प्रशासन को नोटिस भी जारी कर रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए दिल्ली से मेरे सहयोगी सैयद मुबशिर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सैयद, जामा मस्जिद परिसर में महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, हालांकि उसमें जो नोटिस लगाया गया है साफ तौर पर लिखा गया है कि लड़की या लड़कियों का समूह अकेले मस्जिद के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। यानी कि अगर महिलाओं को मस्जिद के अंदर आना है तो कोई पुरुष सदस्य साथ होना चाहिए। बिल्कुल काजल, देखिए ये कोई पहली बार नहीं हुआ इस तरीके की चीजें सामने आई हो। इससे पहले हमने काफी वक्त पहले सबरीमाला का मामला सुना था, जो एक मंदिर परिसर में महिलाओं को आने की पूरी तरीके से पाबंदी थी। यहाँ पर जिस तरीके से इस मुद्दे को तूल दिया गया, वो बिना सोचे समझे मुद्दे को उठाने की कोशिश की गई है। फिलहाल जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि अगर आप मस्जिद में आती हैं तो मस्जिद में आप मस्जिद के चाहे मंदिर में जा रही हैं चाहे मंदिर मस्जिद में जा रही हैं उसका एहतराम करते हुए उसके लिए आप उस तरीके से हैं। पिछले दिनों ये जो मामला उठा सामने, जब ये नोटिस दिया गया, जब ये कदम उठाया गया, उसके पीछे की वजह यह थी कि पिछले दिनों कई सारी ऐसी जो लड़कियां थी जो वहां पर आई, जो टिकटॉक टाइप वीडियोस वहां पर शूट कर रही थी, और कहीं ना कहीं ये एक सभ्य समाज के लिए भी अच्छा नहीं है कि इस प्रार्थना स्थल चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो वहां पर इस तरीके की हरकत की जाए। जिसको लेकर कमेटी ने एक बार मीटिंग की और मीटिंग के बाद जो शाही इमाम हैं उन्होंने ये फैसला किया कि अगर अकेली कोई लड़की आती है तो उसकी एंट्री बंद है, कोई महिला आती है तो उसकी एंट्री बंद है। हाँ, आप अपने परिवार के साथ अगर आते हैं तो आपको किसी तरीके की कोई रोक टोक नहीं है। और इस तरीके की चीजें ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले आप देखेंगे रमजानों में चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हों चाहे वो दूसरे समुदाय के लोग हों, सभी लोग वहां पर आते हैं। अफ्तार का बहुत बड़ा इंतजाम वहां पर होता है उसके मस्जिद परिसर में, उसके चारों तरफ बहुत बड़ा इंतजाम होता है। जुमे की नमाज में भी महिलाएं वहां पर होती हैं। तो नमाज और मस्जिद के अंदर पाबंदी को लेकर अगर बात की जाए तो वो सरासर बिल्कुल
सिरे से खारिज करते हुए इमाम बुखारी ने कहा कि हमने पाबंदी उन लोगों पर लगाई है जो अकेले आ रहे हैं या लड़कियों का एक ग्रुप आता है। बिल्कुल सही है। तो हमने देखा था कि कुछ समय पहले कुछ टिकटॉक वीडियोस, कुछ रील्स यहाँ पर जो लड़कियां बनाती हुई देखी गई थी, जिसके बाद भी आपत्ति जताई गई थी। और अब कहा जा रहा है कि अकेली लड़की या कोई भी महिला है या महिला का समूह है वो नहीं आएगा, अगर उनको प्रवेश करना है तो किसी पुरुष सदस्य के साथ करें। लेकिन यहाँ पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ये कह रही हैं कि ये कोई ईरान नहीं है कि महिला का कहीं भी जाना, उस पर प्रतिबंध लगाना सही हो, ये भारत है। और साथ ही साथ उनका कहना है कि एक महिला को पुरुष की जरूरत क्यों पड़े कहीं भी जाने के लिए। देखिए काजोल, सबसे पहले एक इस बयान को थोड़ा सा बहुत ज्यादा जल्दबाजी में किया गया है, जिसपे प्रतिक्रिया दी गई है महिला आयोग की तरफ से, बहुत थोड़ी सी जल्दबाजी में की गई है, बिना तथ्यों को और चीजों को समझे बिना ये एकदम से बयान जारी किया गया, नोटिस जारी किया। महिला आयोग को पहले चाहिए था उनसे तथ्यों से बात करते, अगर वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर उनको नहीं मिलता तो आप उस पर नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि आप महिला आयोग है, महिलाओं के अधिकार की आप बात करती है वो अच्छी चीज है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल लिखा होता है, बिना तथ्य जाने, बिना उसकी गहराई को समझे, वजह को जाने, अगर आप लगातार इस तरीके की चीजें करेंगे तो कहीं ना कहीं एक मुद्दा खड़ा करने की कोशिश जरूर कही जा सकती है। एक कह सकते हैं कि अभी चुनाव चल रहे हैं, उस वजह से लेके लाइमलाइट की बात करें या चर्चा की बात करें तो उसमें कहीं ना कहीं एक मौका देने की बात है। तो महिला आयोग ने थोड़ी जल्दबाजी जरूर की है, पूरे मामले को सोचे और समझने बगैर इस तरीके के नोटिस दिया है। दूसरी तरफ महिला आयोग ये भी कह रही कि आप ईरान नहीं है, भारत है, भारत में ही कई ऐसे मंदिर है, भारत में ही कई ऐसी मस्जिदें भी हैं जहां पर महिलाएं आज भी नहीं जाती हैं। और जुमे की नमाज की बात करें तो जुमे की नमाज में हवाला ये दिया जाता है कि चाहे वो सऊदी अरब है, वहां पर भी महिलाएं साथ में मस्जिद में नमाज पढ़ती है, नमाज पढ़ने की पाबंदी कहीं पे किसी भी मस्जिद में नहीं है। और यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो नमाज अता करने के लिए या फिर यहाँ मस्जिद में प्रवेश के लिए मनाही नहीं की गई है, बस यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कुछ भी अगर गलत तरीके से चीजें सामने आती हैं या फोटो या वीडियो सामने आते हैं वो यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। सैर सपाटे के लिए जो लड़कियां आ रही हैं यहाँ पर वो नहीं होना चाहिए, ये कोशिश की जा रही है जामा मस्जिद के जो परिसर के लोग हैं। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से चीजें निकलकर सामने आई हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जल्दबाजी में उठाया गया एक कदम, दूसरी तरफ चाहे वो मंदिर हो चाहे वो मस्जिद हो, ये एक धार्मिक भावना है जो जुड़ी होती है, जो हर शख्स के, हर धर्म के अपने एक भावनाओं से जुड़ी होती है, वहां उसकी बेअदबी या उसका एहतराम करना हर शख्स को करो, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहां बहुत सलीके और बहुत नियाज से वहां पर जाया जाता है। क्योंकि अब जब जिसके सामने आप जा रहे हैं, जिसके सामने आप मत्था टेकने जा रहे हैं, अगर वहां पर इस तरीके की असामाजिक बात करें या इस तरीके की हरकत करें तो आप इबादत कह लीजिए, पूजा कह लीजिए, वो पूरी तरीके से कह सकते हैं जिससे आप कनेक्ट होने जा रहे हैं उससे नहीं हो पाएंगे। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए ये फैसला लिया गया। मंदिरों में भी बहुत जगह ऐसा है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं है, मस्जिदों में भी कई जगह ऐसा है जहां महिलाओं की एंट्री नहीं है, लेकिन अगर नमाज की बात करें तो नमाज के लिए पूरे हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया में किसी भी मस्जिद के अंदर कोई बैन फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जल्दबाजी का फैसला है जरूर महिला आयोग की तरफ से। चलिए ठीक है सैयद, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जामा मस्जिद परिसर में जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड लगा, लड़की या लड़कियों का अकेले दाखिला पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिसको लेकर दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये महिलाओं के अधिकारों के हनन का एक नज़रिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए और उन्होंने एक लेटर भी लिखा है और मांग की है कि इस पर जल्द से जल्द जवाब होना चाहिए। उत्तराखंड साल 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग राज्य बनने के बाद पूरे 22 साल का हो चुका है। इसी मौके पर दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के अंदर उत्तराखंड दिवस मनाया गया, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। साथ ही साथ व्यापार मेले में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में पवेलियन का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया। उत्तराखंड दिवस के अंदर उनके मैदान में ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत धन्यवाद। और आज उत्तराखंड दिवस जहाँ पर भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला यहाँ पर लगा हुआ है, उसके माध्यम से उत्तराखंड के बहुत सारे स्टार्टअप हैं, बहुत सारे उद्यमी हैं, स्वयं सहायता समूह हैं, उन सभी को प्रोत्साहन का यहाँ पर अवसर मिला है और उत्तराखंड इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे स्वयं सहायता समूह के लोग
तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। जो माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है ग्लोबल वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर ग्लोबल, उसको निश्चित रूप से इन ऐसे ट्रेड फेयरों के माध्यम से आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा अपने ट्वीट को लेकर ट्रोल हो गई हैं। ऋचा ने उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बयान पर प्रतिक्रिया दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने के आदेश को पूरा करने के लिए तैयार है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऋचा ने सेना के अधिकारी के बयान के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा, गलवान सेज हाय। जैसा ही उन्होंने ये ट्वीट किया, सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने भारत चीन के बीच साल 2020 में हुई झड़प को लेकर अपमान करने के लिए आलोचना शुरू कर दी। लोगों ने लिखा कि हमारे गलवान में शहीद हुए हमारे जवानों का मजाक बनाया जा रहा है। हालांकि हंगामा बढ़ता हुआ देख बाद में ऋचा चड्ढा ने इस ट्वीट को डिलीट कर दिया और माफी भी मांगी। ऋचा ने इसको लेकर माफी मांगते हुए कहा कि ट्वीट से मेरा उद्देश्य सेना का अपमान करने का नहीं था, मेरे तीन शब्दों को विवाद में घसीटा गया है, अगर किसी को भी बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहती हूं। वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ऋचा के इस ट्वीट को अपमानजनक बताया। उन्होंने लिखा कि इस ट्वीट को जल्द से जल्द वापस लिया जाना चाहिए, हमारे सशस्त्र बलों पर और उनका अपमान करना उचित नहीं है। आपको बता दें कि ऋचा चड्ढा के ट्वीट पर शिवसेना प्रवक्ता आनंद दुबे ने एक्ट्रेस पर कार्रवाई की मांग की है। आनंद दुबे ने कहा कि एक्ट्रेस पर अपने ट्वीट में गलवान घाटी को घसीटते हुए मजाक किया है, मैं मुख्यमंत्री और गृहमंत्री से इस पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग करता हूँ। राष्ट्रविरोधी ट्वीट करने वाले ऐसे भी नेताओं पर प्रतिबंध लगना चाहिए। चलिए अब रुख करेंगे मैनपुरी का। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के व्यापक प्रचार अभियान में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी पूर्व सांसद डिंपल यादव ने कई स्थानों पर जनसंपर्क करते हुए मतदाताओं से भारी बहुमत से विजयी बनाने का अनुरोध किया। डिंपल यादव ने मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में प्रचार अभियान के दौरान करहल में जगह जगह नुक्कड़ सभाओं में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके साथ और हौसलों से मैनपुरी चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। ये नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है। नेताजी इसी धरती से निकलकर आगे बढ़े और धरती पुत्र कहलाए। हमें पूरा भरोसा है कि यह धरती नेताजी का सम्मान बढ़ाने का काम करेगी। डिंपल यादव ने कहा कि नेताजी ने यहां से संघर्ष किया था। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जनता के लिए लड़ाई लड़ती है, संघर्ष करती है। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य विकास करना है। यूपी में उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मैनपुरी पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक विचारधारा से जुड़े लोगों का समूह है। 2014 से वर्तमान तक मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में हमारी सरकार चल रही है और 2017 से वर्तमान समय तक योगी जी नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखते होंगे हमारी सरकार आने से पहले किस प्रकार के प्रदेश की अराजकता थी। प्रदेश दंगाइयों का प्रदेश बन गया था और तत्कालीन सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी के साथ हम सब चुनाव लड़ते हैं और हम अपने कार्यकर्ताओं को काम बांट कर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी सक्रियता, मेहनत, अपने वैचारिक कार्यक्रम और हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उनके लेकर हमेशा जनता के बीच में। हरदोई में रुपए लेते वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि पीआरडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर पीआरडी कमांडर 2000 रुपए लेते हैं, जिसके बाद एक पीआरडी जवान ने पैसे देते वक्त वीडियो बना लिया। हरदोई में रुपए लेने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हरदोई की तस्वीरें, पीआरडी कमांडर का पैसे लेते वीडियो वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि पीआरडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर पीआरडी कमांडर 2000 रुपए लेते हैं, जिसके बाद एक पीआरडी जवान ने मौका देखकर पैसे देते वक्त वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले में कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो हरदोई की तस्वीरें आप देखेंगे जहां पर रुपया लेते एक वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि पीआरडी जवानों से ड्यूटी के नाम पर पीआरडी कमांडर 2000 रुपए लेता है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी आसिफ मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी मिल रही है इस वायरल वीडियो
पर क्या कार्रवाई हुई है और ये वीडियो कब का है? जी आपको बताना चाहूंगा, ये पूरा मामला जो है वो पियानी थाना इलाके का है। यहाँ पर पीआरवी कमांडर जो लोगों से दो दो हजार रुपए रिश्वत लेते हुए कैमरे में कैद हुए हैं, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ हो रहा है। जी आसिफ, ये वीडियो कब का है, उस पर कार्रवाई क्या हुई है? 2000 रुपए एक पीआरडी जवान से पीआरडी कमांडर ले रहा है। जी जी, ये वीडियो कल का बताया जा रहा है। इस पे अधिकारियों का कहना है कि वीडियो सामने आया है, जांच कर कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। वहीं हरदोई जिले में इस बार हुई बेमौसम बारिश ने धान किसानों को काफी निराश किया। फसल के समय किसानों को बारिश ने तरसाया, वहीं फसल तैयार होने के बाद हुई बारिश ने फसल को पूरी तरह से खराब कर दिया। इसी के चलते बीते साल के मुकाबले धान की फसल में 10% से ज्यादा की कमी आई है, जिसका असर आने वाले दिनों में चावल की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। धान जो बोया है उसकी 50% है जो फसल हुई, जब पानी की ज़रूरत थी तब पानी है जो गिरा नहीं, और जब पानी की ज़रूरत नहीं थी तब पानी गिरा, उससे फसल है जो काफ़ी है जो नुकसान हो गया है। लगभग अब की है जो पिछले साल के उसमें कम से कम आधी है जो फसल रह गई है। जालौन में शासन को जीरो टॉलरेंस की नीति पर विभाग ने कार्यों की पड़ताल शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जालौन के भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट पर जांच के आदेश दिए गए थे, जिसको लेकर डीएम जालौन चांदनी सिंह ने 4 कमेटियां बनाकर जांच के आदेश दे दिए हैं। तो जालौन के ये पूरा मामला है जहाँ पर भ्रष्टाचार को रोकने के लिए तमाम तैयारियां की जा रही हैं। जीरो टॉलरेंस नीति पर विभाग ने कार्यों की पड़ताल भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि जालौन के भूमि संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट हुई थी, जिसको लेकर जांच के आदेश दिए गए थे। अब इसको लेकर डीएम जालौन चांदनी सिंह ने 4 कमेटियां बनाकर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी जैद मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं जालौन से। जैद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? 4 कमेटियां तो तैयार हो चुकी है, लेकिन जो भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट थी उसमें क्या अपडेट है? जी मैं ये पूरा मामला बता दूं, जालौन का है, जहाँ पर ये 4 जांच कमेटियां चांदनी सिंह निगम द्वारा बनाई गई हैं। और इन जांच कमेटियों का काम रहेगा 2016 से लेके और अभी तक की जो भी ग्रामीणों द्वारा शिकायतें की गई पहले को उनको निगरित करें और मतलब उस पर पहले कार्रवाई, और उसके बाद इन कमेटियों का ये काम होगा जैसी भी योजनाओं पे भूमि की योजनाओं पर जो लोग अवैध कब्जा करे बैठे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई करने की बात तो कही जा रही है, क्या अब तक कोई कार्रवाई हो पाई है जेड? जी अभी तक तो कुछ ऐसी कार्रवाई का खुलासा नहीं हुआ है, पर आगे के लिए डीएम ने बोला है कि इन चीजों पर कार्रवाई होगी। उसका असर कितना दिखाई दे रहा है जो 4 कमेटियां बनाई गई हैं? जी 4 कमेटियां जो बनाई गई हैं इनका असर ये दिख रहा है कि जो भू माफिया है और जो इस तरीके के लोग हैं उनके भी थोड़ी खलबली सी तो मची हुई है। ठीक है सर, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जालौन में भू संरक्षण विभाग में भ्रष्टाचार की सुगबुगाहट थी, ग्रामीण आरोप लगा रहे थे, तो ऐसे में डीएम ने जांच के आदेश दिए हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले पर किस तरह के खुलासे होते हैं। एटा में कोतवाली देहात के गोपालपुर के पास पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, वहीं एक बदमाश भागने में सफल रहा। घायल बदमाश को पुलिस ने हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। लिफाफा गैंग के नाम से कुख्यात एक गिरोह के द्वारा जो आज यहाँ पर घटना करने की फिराक में आए थे, पुलिस के द्वारा थाना कोतवाली देहात क्षेत्र में चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हुए हैं, एक सिपाही घायल हुआ है जो उपचाराधीन है, और इसमें एक बदमाश पूर्व में यहाँ कोतवाली देहात क्षेत्र में कार में बैठाकर एक महिला के साथ घटना हुई थी, उसमें वांछित चल रहे थे, जिस पर 15,000 रुपये का पुरस्कार घोषित है। इसमें से एक जनपद अलीगढ़ और दूसरा नई दिल्ली के रहने वाले हैं। एक पर 1 दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं और दूसरे पर कुल 5 अभियोग अभी तक पंजीकृत होने पाए गए हैं।
वहीं अमेठी में दबंगों की दबंगई के आगे पुलिस नतमस्तक है। आपको बता दें कि दबंगों ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। वहीं सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि मारपीट के दौरान एक कैंसर पीड़ित बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में लाठी डंडे चलते रहे और पुलिस तमाशबीन बनी रही। मुरादाबाद में लव जिहाद और ब्लैकमेल का मामला सामने आया। आरोप है कि मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके बाद लोगों ने युवक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। ये आज कटघर में एक मामला आया था कि एक लड़की पक्ष के कुछ लोग एक लड़के को यहाँ पकड़ कर लेके आए थे। उनका कहना था कि ये लड़का उस लड़की को उसके साथ ब्लैकमेलिंग कर रहा था। ये पिछले करीब 1.5-2 महीने से उसके साथ इनसे बातचीत इनकी हो रही थी, और लड़की से इन्होंने बीच में उस लड़के ने कुछ पैसे भी लिए थे। तो ये पूरा मामला निकलकर सामने आया लव जिहाद का, जिसको लेकर पुलिस ये कह रही है कि जल्द ही इस पूरे मामले में खुलासा होगा। आगे बढ़ते हुए संभल का रुख करेंगे। संभल में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडे चले। वहीं मारपीट में महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने दोनों पक्षों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी प्रदीप मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? जमीन के विवाद का पूरा मामला बताया जा रहा है, कितने लोग घायल हैं और पीड़ित पक्ष क्या कुछ कह रहा है? जी, मैं आपको बता दूं, ये जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ था वहां पर, उसी को लेकर मतलब मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था एक, और मतलब दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर दर्ज करा दी गई है। बाकी पुलिस तलाश कर रही है दोनों पक्षों की ओर से। कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं प्रदीप? इसमें 2-3 लोग घायल हुए थे, लेकिन उनका ट्रीटमेंट इलाज अस्पताल में और उनको इलाज के लिए लाया गया था। पूरे मामले पर पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कह रही है एफआईआर उनकी दर्ज कर ली गई है और कार्रवाई की जा रही है, लगातार कार्रवाई चल रही है। बोले उसी प्रकार से उनकी कार्रवाई की जाएगी और बिल्कुल ढिलाई नहीं बरती जाएगी इसमें। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। संभल में बगैर रॉयल्टी और बगैर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की एरओसी के भट्टे संचालित होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली, जिसके बाद डीएम मनीष बंसल के निर्देश पर प्रशासन की टीम अवैध भट्टों पर पहुंची। यहां एसडीएम विनय मिश्रा के नेतृत्व में बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान बुलडोजर ने हजारों कच्ची ईंटें तहस नहस कर दी। वहीं प्रशासन को बाल श्रमिक भी भट्टों पर काम करते नजर आए। प्रशासन की इस कार्रवाई से अवैध भट्टा संचालकों में हड़कंप मच गया। एसडीएम विनय मिश्रा ने बताया कि रॉयल्टी जमा किए बगैर और बगैर पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अनुमति के संचालित हो रहे भट्टों पर कार्रवाई की गई है। यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। वहीं श्रावस्ती में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। किसानों का आरोप है कि उन्हें जरूरत के मुताबिक खाद नहीं मिल पा रहा, जिसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया है। साथ ही कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भी मजिस्ट्रेट को सौंपा है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने महामायम राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, उस पर भी हमारे जिले में खाद नहीं उत्पन्न किया जा रहा है। आज किसान परेशान हैं। आपने देखा है बीच में हमारा श्रावस्ती बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहा, और श्रावस्ती नहीं कई जिलों में, इधर मंडल के कई जिलों में बाढ़ प्रभावित रहा है और तमाम किसान परेशान हैं। सहारनपुर के रायपुर में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित यातायात, साइबर क्राइम और नशा विषय पर गोष्ठी का आयोजन कर स्कूली बच्चों को जागरूक किया गया। रायपुर में आयोजित गोष्ठी में बोलते हुए मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पीयूष दीक्षित ने कहा कि युवा पीढ़ी में नशे की आदत बढ़ती जा रही है, जो शरीर को खोखला करती है। उन्होंने कहा कि नशे की लत लगने पर वो क्राइम से जुड़ जाता है। उन्होंने कहा कि बच्चों को सचेत करते हुए हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नशा करने वाले लोगों से दूर रहे और मन लगाकर बच्चे पढ़ाई पर फोकस करें।
और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।